बहुत थोड़ी सी लेट हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज हम लोग एंजॉय नहीं करना, बढ़ते इन लोगों को पहले और आज सबका मेरा बर्थडे भी है तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, घूमना फिरना भी होगा और मजे होने वाले। तो आज एक्चुअली निकले थोड़ा लेट, यहाँ के बज रहे 11:30, तपती जलती धूप है, लेकिन अपना जज्बा के कमिंग। हाँ, तो जो होटल हमने सिलेक्ट किया है, बेसिकली होटल नहीं लिया हमने, हॉस्टल लिया, बिकॉज थोड़ा सा बहुत कटिंग पे चल रहा है, बजट बुक करने करनी है। ऑल्दो इट इज अ फैमिली ट्रिप बट बजट तो जरूरी है भाई, तो उस तरीके से बजट में रखा हुआ है, इसकी वजह से होटल किया था, हॉस्टल किया था और हॉस्टल में हम रुके। आज का प्लान है मोस्ट ऑफ हम लोग जाएंगे सैंटोसा और एक्वेरियम, मोस्ट ऑफ में देखते हैं हम लोग कब तक पहुंचते हैं और कब उसको अचीव कर पाते, लेकिन मजा आ रहा है सिंगापुर देखने पे। यहाँ से लोग बहुत सपोर्टिव है, अभी तक बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बस देखा देखा पास में कुछ लोग थे, मैंने उनसे भी हेल्प मांगी और उन्होंने अपना हॉटस्पॉट देखे, मुझे गूगल मैप्स का एक्सेस दिया एंड यू नो आई कुड रीच टू महानगर। सो ये सब चीज़ें हैं, लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और मज़ा है। सेंटोसा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे आपको जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने देख सकते हो तो वहाँ पे केबल कार है और हमने केबल कार कहीं तक करने के लिए आए हैं, जा रहे हैं हम लोग आगे देखते हैं कैसे। अभी हम लोग पहुँचे हैं सेंटोसा केबल कार। ये अगर आप सिंगापुर आते हैं और सेंटोसा केबल कार से ट्रैवल नहीं किया, वहाँ पर नहीं गए थे, उससे ब्यूटीफुल व्यू नहीं देखे, तो आपसे सिंगापुर का है कुछ तो बड़ी चीज मिस गई, ये फोर्स होगी। तो यही देखने के लिए हम लोग आए हैं सेंटोसा केबल कार, यहाँ से हम लोग जाएंगे सेंटोसा आइलैंड पे और हम लोग ने टिकट लिया है, अलाउज अस टू ट्रैवल टू एंड फ्रो, जितने भी टाइम चाहे हम लोग जा सकते हैं आ सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमको यहाँ पे टिकट पे 15% डिस्काउंट मिला है, विच मीन कि सेंटोसा का टेबल का प्लस हमारा जो एक्वेरियम है जो हमको देखना था वो दोनों के लिए हमें 15% मिला, विच इज ऑसम। तो फॉर्चुनेटली ये ट्रिप बहुत अच्छी से जा रही है, सब चीज़ें फॉल इन प्लेस अपने आप। इवन हमको जो हॉस्टल है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कंसेशन मिल गया, हमने टूटी रोड फंक्शन किया था वहाँ से, सप्ताह हमको रेट यहाँ पे आने के बाद हो गए। तो अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, हमारी केबल कार का टर्न आएगा, जैसे हम लोग आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस कितना बेहतर दिखता है। और पब्लिक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बोले तो एकदम झटका, फुल पान फुल पंटे अच्छा है, मजा रे मजे 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 बहुत गाइस। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ पे जरूर आइए, ये जरूर देखिए इस ब्यूटीफुल व्यू को। तो ये क्या, ओ भाई साहब, यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, एज इन ये विंडोज जो है इट हैज वेंट। तो ये बहुत मजा आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं, बहुत मजा। अरे मेरे को बोल करनी हुई है, सर जस्ट
वेलकम टू सेंटोसा आइलैंड। क्या ब्यूटीफुल आइलैंड है यार। और बाकी के हमारे नेबर्स जा रहे हैं, उनको जरा हाय बाय कर लेते हैं। अरे किसी ने तो गोप्रो की स्टिक बांध ली, लेकिन खाली खाली था। ओहो, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, बहुत मजे बहुत मजे। यहाँ पे आप 6 लोग 7 लोग जितने भी सीट्स अवेलेबल दिख रहे हो उस हिसाब से आप बैठ सकते हो, और ये आपको लेके जाएगा डायरेक्टली टुवर्ड्स अप देयर। वहाँ पे जाके आपको ये लोग एक ड्रिंक देंगे एंड आपको कुछ 20-25 मिनट की राइड है, तकरीबन $18 की है इन टोटल फॉर एन अडल्ट। चाइल्ड के लिए थोड़ा सा कम है, बट आई डोंट फील इट इज़ दैट वर्थ। मुझे नहीं लगा कि मैं इसमें जाना चाहूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी, अगर आप देख सकते हैं उसके पीछे केबल कार है एंड दैट इज़ क्वाइट हाई, और वहाँ से भी सेम ही व्यू होगा आई बिलीव, जब हमको ये स्काई हेलिक्स देगा। तो इट्स अप टू यू गाइस, अगर आपको आपके पास काफ़ी बजट है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी थिंग, देन दिस इज़ वन थिंग आप जिसको जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी तो सेंटोसा केबल कार सुपर मस्ट टू गो। स्काई हेलिक्स देख लिया, इट्स ओके। अगर आप बजट में हो, आपके पास काफ़ी सारा बजट है, शुड गो फॉर इट। और फाइनली थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, दैट इज एक्वेरियम। और वहाँ पे जाने के बाद आई फील कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसके रिव्यूज़ मैंने देखे, उसका फोटोज़ देखे, एंड द फोटोज़ एंड वीडियोज़ आर सो अमेजिंग। तो ये तो मस्ट पॉइंट है, करना ही चाहिए। आप जैसे बताया कि कंसेशन मिला है तो वाइट डिफॉल्ट जाना है, लेकिन जाना है। वेल फाइनली यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो सिंगापुर ले मोस्टली रिकमेंडेड है, मतलब अगर आप सिंगापुर आए तो यूनिवर्सल स्टूडियो आना है मतलब आना। बट हम लोग ये नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग फैमिली है और थोड़े से मम्मी और आंटी थोड़ी एजेड है, तो उनको यूनिवर्सल स्टूडियोज में उतना इंटरेस्ट है नहीं, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जाते। बट एक्चुअली अगर आप एज अ सोलो या फिर कपल आ रहे हो और आपको करना है तो आप यहाँ पे जरूर आ जाओ। यूनिवर्सल स्टूडियो हम लोग सारे के सारे फैमिली यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज में आके एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी लाइफ और ये ट्रिप। तो फुल ऑन फुल धमाल, बहुत गर्मी है लेकिन हम लोग भी बहुत हार्ड है भाई।
ऐसे नहीं है कि स्ट्रिक्ट एक्वेरियम है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। यहाँ पे हर एक शार्क या फिर जो भी फिश है उसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो दिस इज रियली नाइस, हम रियली बहुत फील कर रहे हैं। What a beautiful view! What a beautiful view! Awesome! Wow! समंदर है यार। इसलिए मैंने कहा था गाइज, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो सेंटोसा बाई केबल कार जरूर विजिट कीजिए एटलीस्ट एक बार। इंडिया में ये जगह है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं सस्ते में, ज़्यादा महंगा नहीं है। और मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पे फॉरेनर्स और फॉरेनर्स हम सब लोग यहीं पे खा रहे हैं, वैसे थोड़ा सस्ता है कंपेरेटिव टू बाकी होटल्स। अगर आप आ रहे हो और जोरों की भूख लगी है इंडिया में, तो दिस इज़ द बेस्ट।